सुपौल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिस सोनिया नाम की महिला को पुलिस और उसके परिजनों ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं सोनिया अचानक सदर थाना पहुंचकर खुद के जिंदा होने की सबूत देने अधमकी। सोनिया ने थाने में पहुंचकर भूल सुधारने की कोशिश की। दरअसल 6 महीने पहले सोनिया को कामनी नाम की महिला ने झांसा देकर अपने साथ दिल्ली ले गई थी। इसी बीच एक महिला की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त सोनिया के तौर पर की गई। पुलिस ने इस मामले में सोनिया की हत्या के आरोप में उसके सास ससुर और पति को जेल भेज दिया। अब सोनिया की वापसी से उसके ससुराल वालों ने राहत की सांस ली है। हमा तीनों परानी रहिए काम को हिनका घर में रहे अपन निकल गए। एगो बच्चा से लुच्ची मांग के लेल के रोड पर कहलक हमरा लुच्ची दे बहुत इमरजेंसी छे। वही में निकल गए सिमराही कहे गलिए घटना से एगो लड़की मिलल कहलक कहाँ जेबी चल हम तोरा लहरा के दे बजे छियो। वही में एक बस पर चढ़ा के आप नशा वाला कुछ खिया दिल्क एक लैके चल गए। एकर हत्या के मामला में अहाँ जेल में चल गई? हाँ जेल में चल गए। बाप में केस कर दल? हाँ अभी जेल में के है? हमार घर वाला हमार बेटा दोनों जेल में। हाँ जमानत पर छुटल? हाँ पति कते दिन से जेल में है बेटा? अहाँ कहिया निकल लिए? सर हम निकल लिए 5 महीना 20 दिन पर। आ बेटा आर का अभी 2 तारीख छे 6 महीना 2 तारीख पहले। वहीं सोनिया ने भी खुद के गायब होने की पूरी कहानी बयान की। सोनिया का नाम फिर से बताओ। नहीं सोनिया के सोनिया देवी नाम है। कहाँ घर है तुम्हारा? चरम चकला पेड़ तो। अच्छा कहाँ चली गई थी तुम? वो कौन लेके चला गया था? एक लड़की ला गया कामनी नाम की लड़की। हाँ कहाँ मिली थी तुमको? सिमराही मजार में। वो कहाँ लेके तुमको चली गई? पता नहीं। तो अब तुम कहाँ से लौट के आई हो? लौट के कहाँ से आई? हाँ दिल्ली से। तो कब तुमको पता चला कि हम दिल्ली में पहुँच गए दिल्ली में हैं? मेरा पता नहीं है, किसी से पूछा बिल्डिंग में बंद करके रखता है। वो तुमको बिल्डिंग में बंद करके रखता है? वही लड़की कामनी कुमारी? हाँ। उसका मम्मी भी रख रही। वो तुमको यहाँ पर कहाँ मिली थी जिमराई में? उसको जानती थी पहचानती थी? नहीं जानती। लड़की बोला तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। अच्छा तुम्हारी सास तुम्हारी हत्या के मामले में जेल में गई थी, तुम्हारा हस्बैंड जेल में बंद है, ये पता था? पता नहीं। तुमको मालूम नहीं है बात? वहीं पुलिस ने भी अब इस भूल को सुधारने का संकेत दिया है। वहीं सदर SDPO विद्यासागर ने कहा कि पुलिस ने अज्ञात लाश को बरामद किया था और कानून के हिसाब से उसे 3 दिनों तक सदर अस्पताल में रखा गया। विद्यासागर ने कहा कि इस बीच उस लाश की पहचान सोनिया के तौर पर की गई। उन्होंने सोनिया के वापस लौट जाने के बाद अब उसके सास ससुर और पति को रिहा करने का संदेश दिया। एक कांड दर्ज हुआ था सुपौल थाना, कांड संख्या 310/18। उसमें एक मृतका का डेड बॉडी बरामद हुआ था कोसी नदी के किनारे तेलवा से, और उसको हम लोगों ने कानून के हिसाब से उसको 2-3 दिन के लिए हम लोगों ने रखा था। उस बीच राघोपुर तरफ से मृतका के सो कॉल्ड पति माँ बाप भाई सबकी पहचान हो गई, और मृतका के तथाकथित माँ बाप ने सबने अपने बेटी के रूप में उसको शिनाख्त किया, बजाबते पोस्टमार्टम करवाया, रोना धोना करने के बाद से उसको ले भी गए और उसको दाह संस्कार भी किया। उसके बाद से अभी ये लड़की आई है, थाने पे आई है, जो बता रही है कि नहीं सोनिया मेरा ही नाम है, वो मृतका का नाम सोनिया नहीं था, उसकी जाँच पड़ताल की जाए। इसके साथ इसकी सास भी आई है, तो इसका कहना है कि मैं सोनिया हूँ। इसकी जांच पड़ताल करते हैं हम लोग। इसके फादर मदर जो कि सोनिया किसी दूसरे को ही सोनिया, अब देखते हैं कि क्या रियल में क्या है, इसकी सास झूठ बोल रही है या इसके माँ बाप झूठ बोल करके बेगुनाह लोगों को जेल भी भेजे। जैसा होगा कानूनन हम लोग कार्य करेंगे, बिल्कुल मानवता के नाते मानवाधिकार के मद्देनज़र हम लोग इसकी फिर से तफ्तीश करेंगे, और जैसा भी होगा जो भी होगा फिर आपके सामने आएगा। सोनिया के वापस लौट जाने से उसके सास ससुर और पति के बरी होने का रास्ता खुल गया है। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।